हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे हैं ओलैट की, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे हैं और आप जो प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो है क्लास 11th का जो प्रैक्टिकल है, उसका नाम है डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी फूड जो मटेरियल होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है, उसमें आप किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को डिटेक्ट करेंगे, अलग करेंगे, या फिर आप पता लगाएंगे कि किसी भोज्य पदार्थ में कौन सा यहाँ पे क्या है न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व है। अभी तक हमने बात की है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की। अभी तक आपने कार्बोहाइड्रेट की बात की है और आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारा मुख्य पोषक तत्व होता है, जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारे भोज्य पदार्थ में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के आपने पढ़े हैं। आपने कहा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और आपने कहा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने बात की है। बात क्लियर है? नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की, हमने कहा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो फर्दर यहाँ पे डिवाइड होता है और उसमें मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के बारे में हमने बात की है। ठीक है, अगर आप मोनोसेकेराइड की बात करेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल आए हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तीन आपके पास किसके एग्जाम्पल है यहाँ पे मोनोसेकेराइड के। नेक्स्ट हमने कहा जो डाइसेकेराइड बनते हैं वो मोनोसेकेराइड को ऐड करके बनते हैं, और यहाँ पे डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल हमने देखा था यहाँ पे सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ये तो बात थी यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। आपको बताया गया है सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिनकी संरचना सिंपल होती है, सरल होती है, इजीली बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हमने कहा था जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो भी दो प्रकार का होता है, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड हम उसे कहते हैं जब यहाँ पे 10 मोनोसेकेराइड मिल करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीसेकेराइड में यहाँ पे 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आए थे पॉलीसेकेराइड के बारे में? आपने कहा था स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, तीनों ही क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब हमने बात की थी यहाँ पे, आपने एनिमेशन के थ्रू जाना था कि किस प्रकार से क्या होगा यहाँ पे आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। आपने क्या किया था यहाँ पे, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात हमने की है, कार्बोहाइड्रेट को हमने थ्योरी में यहाँ पे पढ़ा है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन यहाँ पे किया। इसमें आपने सबसे पहले मोनोसेकेराइड का यहाँ पे डिटेक्शन किया है और उसमें जो आपने सैंपल लिया था वो था बनाना एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आपने देखा था कि इसमें मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड के बाद हमने बात की थी डाइसेकेराइड के बारे में। हमने कहा डाइसेकेराइड को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो जैसे कि आपने थ्योरी में पढ़ा है जो डाइसेकेराइड होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का सबसे पहले हमने क्या किया, HCl के साथ साथ बॉइल किया था। जब आपने HCl के साथ सुक्रोज को बॉइल किया तो जो सुक्रोज है वो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब क्या हुआ यहाँ पे, मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन हो गया है। मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन हुआ तो अब क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूजन शुगर में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे दो प्रकार के टेस्ट आपने पढ़े थे, पैलिंग टेस्ट और पैंडिक टेस्ट। दोनों टेस्ट के माध्यम से आपने जाना था कि फूड मटेरियल में यहाँ पे डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और जो पॉलीसेकेराइड है वो है या नहीं है। लास्ट में आपने पॉलीसेकेराइड का यहाँ पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिसमें आपने फूड सैंपल लिया था शुगर केन एक्सट्रैक्ट। आपने यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी जाना कि किस प्रकार से आप अपने भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या था, एनिमेशन में आपने देखा सारा एनिमेटेड था, वीडियो में आपने देखा रियल लैब में किस प्रकार से यहाँ पे प्रोसीजर को किया जा रहा है। तो एक बार फिर से हम रियल लैब में देखेंगे किस प्रकार से प्रोसीजर किया जा रहा है, उसके बाद आएंगे सिमुलेटर में, देखेंगे सिमुलेटर में किस प्रकार से प्रोसेस होती है, किस प्रकार से आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे अपने प्रैक्टिकल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे किस प्रकार से आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन करेंगे। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। द फूड वी ईट इज वन ऑफ द नेसेसरी फैक्टर्स इन आवर डेली लाइफ,
that provides nutritional support for the human body. Food consists of both organic and inorganic substances. Carbohydrates, fats, and proteins are the main organic substances present in food and provide energy. In this video, we learn how to test for the presence of carbohydrates, proteins, and fats in food substances. Test for carbohydrates. One of the main components of our diet is carbohydrates. Glucose, sucrose, and starch are all forms of carbohydrates found in our daily food. Let's start with testing for the presence of glucose in food substances. There are two tests, Benedict's and Paley's test, used to find if glucose is present. Benedict's test. Materials required. Banana extract in a... देखिए, ये जो टेस्ट है इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि रियल लैब में जो प्रैक्टिकल है वो कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं। आपको पता है हम दो प्रकार के टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बेंडिंग टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, using a dropper, take a small quantity of Benedict's reagent. Add the reagent to the test tube containing banana extract. Boil the sample over the burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with the test tube holder. Keep shaking the test tube as it is being heated. A brick red precipitate appears, indicating the presence of glucose in the banana extract. Conclusion. On boiling, banana extract of the Benedict's reagent, the cupric ion present in the Benedict's reagent is reduced by the reducing agent. अब ये आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका डिटेक्शन किस प्रकार से हुआ है, जो कि आपने थ्योरी में क्या किया था, इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे देखा था। To form a brick red colored precipitate of cuprous oxide. Paley's test. Materials required. Banana extract in a test tube holder, Paley solution A, Paley solution B, dropper and a burner. Procedure. Using a dropper, take a small quantity of Paley solution A. Add the Paley solution A to the test tube containing banana extract. Using a dropper, take a small quantity of Paley solution B. Add Paley solution B to the test tube containing banana extract. Boil the sample over a burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with the test tube holder. Keep shaking the test tube while heating. A brick red precipitate appears, indicating the presence of glucose in the banana extract. Conclusion. The cupric ion present in Paley solution is reduced on boiling by the reducing substance sugar to form the brick red colored precipitate. यहाँ तक की बात आप कर चुके थे, आपने देख लिया था कि किस प्रकार से आप दोनों टेस्ट के माध्यम से मोनोसेकेराइड का डिटेक्शन करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जो डाइसेकेराइड होते हैं और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, उसका डिटेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए आप। Now we can test the presence of sucrose in food substances. Materials required: sugarcane extract in a test tube, concentrated hydrochloric acid, sodium hydroxide solution, Benedict's reagent, test tube holder, dropper and a burner. Procedure: using a dropper, take a small quantity of concentrated hydrochloric acid. Add 2 to 3 drops of concentrated hydrochloric acid to the test tube containing sugarcane extract. Boil the sample over the burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with a test tube holder. This hydrolyzes sucrose into glucose and fructose. अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो डाइसेकेराइड हमारे पास आता है उसे हम मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। Using the dropper, take a small quantity of sodium hydroxide solution. Add a few drops of sodium hydroxide solution to the test tube to make the solution alkaline. Now, we can perform Benedict's test to this solution
to test for the presence of glucose. Using a dropper, take a small quantity of Benedict's reagent. Add the reagent to the test tube containing the sample. Boil the sample over a burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with the test tube holder. The color changes from blue to green and finally to orange or brick red, indicating the presence of glucose. Let's test for the presence of starch in food substances. चलिए आपने क्या लिया है डाइसैकेराइड का टेस्ट. यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने एनिमेशन में बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या किया है डिस्कस किया. हमने एनिमेशन में बहुत अच्छे से देखा है, स्टेप वाइज हमने पढ़ा है. आपको जो यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही है इसमें हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं ताकि आप जान सके कि जब आप अपने लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो किस प्रकार से आप करेंगे. ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे पॉलीसेकेराइड का टेस्ट जिसमें लिया गया है स्टार्च. Materials required: potato extract in a test tube, iodine solution, and a dropper. Procedure: using a dropper, take a small quantity of iodine solution. Add 5 drops of iodine solution to the test tube containing potato extract. Blue-black color indicates the presence of starch in the potato extract. Test for जो आपके पास प्रैक्टिकल आया है पॉलीसेकेराइड का, यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं और आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास, अब हम सिमुलेटर के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे. तो आप कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट जिसमें आपने लिया है ग्लूकोज को. ठीक है, और टेस्ट होगा यहाँ पे बेंडिंग टेस्ट. तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो यहाँ पे बेंडिंग सॉल्यूशन को लिया और इसे आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है. ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास बनाना एक्सट्रैक्ट है. देखिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड आपके पास आ रहे हैं वो ये सारे हैं, जिसमें हमने क्या कहा, जो सैंपल है हमारा वो बनाना एक्सट्रैक्ट है और आप कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, बेंडिंग टेस्ट कर रहे हैं. आपने क्या किया, ड्रॉपर की मदद से बेंडिंग सॉल्यूशन को लिया और टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे डाल दिया है, जिससे कि आपको ब्लू कलर यहाँ पे मिला है. अब आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीकर में रखेंगे, जिसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर में आपने रख लिया है. अब आप देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है. आपने क्या देखा, कलर यहाँ पे चेंज हो गया है, ब्रिक रेड कलर आपके पास यहाँ पे आ गया है. इसका मतलब क्या है कि ये क्या बता रहा है हमें, ग्लूकोज की प्रेजेंस को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. चलिए अब आप करेंगे यहाँ पे, आपने अभी तक क्या किया है, ग्लूकोज का टेस्ट किया है. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सुक्रोज का टेस्ट हम करेंगे. किसका, सुक्रोज का. अब आपको पता है सुक्रोज क्या है, यहाँ पे हमने कहा डाइसैकेराइड है. चलिए तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग टेस्ट यहाँ पे आता है. सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास यहाँ शुगर केन एक्सट्रैक्ट है और आपने इसमें क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप आपको यहाँ पे डालनी है. क्यों डालनी है, ताकि यहाँ पे जो शुगर केन है, जो सुक्रोज है, वो क्या हो, यहाँ पे डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में यहाँ पे क्या हो, कन्वर्ट हो. अब आपने क्या किया, यहाँ पे जब आपने जो आपका शुगर केन एक्सट्रैक्ट था उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बर्नर पे आप क्या करेंगे, हीट देंगे या फिर आप बॉइलिंग वाटर में यहाँ पे रख देंगे. अब आप क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो जो डाइसैकेराइड है वो अब मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि जो सुक्रोज है वो क्या है, डाइसैकेराइड है, वो मोनोसैकेराइड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा. चलिए अब आपने क्या किया, कुछ जो ड्रॉप्स हैं वहाँ पे आपने सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपने यहाँ पे ऐड कर लिया. ठीक है, NaOH को आपने क्या किया यहाँ पे ऐड कर लिया है. अब आपने क्या किया यहाँ पे, ये सॉल्यूशन आपको उसके बाद आया आपके पास, सबसे पहले आपने HCl को ऐड किया, फिर आपने NaOH को ऐड किया. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बेंडिंग सॉल्यूशन को ऐड करेंगे. ठीक है, आपने बेंडिंग सॉल्यूशन को ऐड किया और उसे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जो जो यहाँ पे बॉइल्ड वाटर था आपने उसे यहाँ पे रख दिया है और आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसे आप हीट देंगे. जब आप हीट देंगे आप देखेंगे विद द टाइम यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है. ठीक है, आपको अभी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, अब आपको क्या है, यहाँ पे ब्रिक रेड कलर आ गया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि
इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आपने कर लिया है यहाँ पे सुक्रोज का टेस्ट। अब आप हमारे पास तीसरा आता है स्टार्च, जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब आपने सैंपल लिया है पोटैटो एक्सट्रैक्ट और आपके पास क्या है यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन है। आपने आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ऐड की हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया है, जो इंडिकेट करता है किसकी प्रेजेंस को, यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस को। इतनी बात क्लियर है। तो आपने क्या किया, एनिमेशन, सिमुलेटर और वीडियो तीनों के माध्यम से आपने जाना है किस प्रकार से आप क्या करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन करेंगे। ये बात होती है कार्बोहाइड्रेट की। अब आते हैं यहाँ पे प्रोटीन पर कि आप प्रोटीन का जो टेस्ट है वो किस प्रकार से करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रोटीन के बारे में, या बेसिक जो इंट्रोडक्शन है प्रोटीन का। चलिए तो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्रोटीन, प्रोटीन होते क्या है, क्या चीजें आपको बताई गई है प्रोटीन के बारे में। आपने कहा प्रोटीन्स आर लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड यूनिट। अब देखिए आपको इतना पता होना चाहिए, आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट बने हैं शुगर यूनिट से, ठीक है, शुगर यूनिट से मिलकर के बने हैं। कोई कार्बोहाइड्रेट एक शुगर यूनिट से बना है, कोई कार्बोहाइड्रेट दो शुगर यूनिट से बना है, कोई बहुत सारे शुगर यूनिट से बना है। इसी के बेसिस पे आपने क्या कहा था, आपने कहा था मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है। अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े हैं। उसी प्रकार से हमने क्या कहा, जो प्रोटीन्स होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है अमाइनो एसिड्स आर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द अमाइनो, जिसमें आपको NH2 ग्रुप दिखाया गया है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें आपको COOH ग्रुप दिखाया गया है। यानी कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, जो NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप है, दोनों ग्रुप से मिलकर के बने हैं। इन प्रोटीन्स द अमाइनो एसिड यूनिट्स आर लिंक टूगेदर बाय स्पेसिफिक लिंकेज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एक लिंकेज के द्वारा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ध्यान रखिए अमाइनो एसिड किससे मिलते हैं, किससे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रोटीन आवर बॉडी टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू ब्रेक डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स आर मच स्लोअर एंड लॉन्गर लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट हमें एकदम से तुरंत एनर्जी दे देते हैं, लेकिन अगर प्रोटीन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ये क्या करते हैं, स्लोली एनर्जी को रिलीज करते हैं, क्योंकि इनका जो डाइजेशन है वो क्या होता है, टाइम लेता है। मोस्ट प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन एसिडिक और अल्कलाई सॉल्यूशन बट इनसॉल्युबल इन वाटर। अब आपको प्रोटीन के बारे में कहा गया है कि जो मोस्टली जो प्रोटीन होती है वो एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होती है। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का क्या मतलब है, देखिए सॉल्युबल का मतलब है कि जो घुल पा रहा है, ठीक है, इनसॉल्युबल का मतलब है कि जो घुल नहीं पा रहा है। इसका मतलब है जो प्रोटीन है वो एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो घुल जाता है लेकिन पानी में नहीं घुलता है। आपने देखा होगा आप, अगर प्रोटीन की बात की जाए तो अगर आप बटर को लेते हैं तो आप पानी में अगर उसे डालेंगे तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको बताया गया है प्रोटीन गिव कलर रिएक्शन ड्यू टू द वन और मोर रेडिकल्स और ग्रुप प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ऑल प्रोटीन डू नॉट गिव ऑल कलर्स रिएक्शन बिकॉज ऑल ऑफ देम डू नॉट कंटेन सेम अमाइनो एसिड यूनिट। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन गिवन सैंपल। अब क्या होता है, आपको बताया गया है कि जो प्रोटीन होता है प्रोटीन में क्या होते हैं, यहाँ पे रेडिकल्स या फिर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर देते हैं, कलर रिएक्शन करते हैं। यानी कि आपने कोई सब्सटेंस वहाँ पे ऐड कर दिया है तो वो क्या करेंगे, कलर को देंगे। लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि सारे ही प्रोटीन को, सारे जो प्रोटीन होते हैं वो सारे कलर रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें जो अमाइनो एसिड यूनिट होती है वो अलग अलग यहाँ पे होती है। ब्यूरे टेस्ट इज द मैथड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम कौन सा
प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट यहाँ पे करेंगे, आपने कहा ब्यूरेट टेस्ट। अब देखिए जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाते हैं पीछे की चीजों को आपने क्या करते जाना है, कनेक्ट करते जाना है। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बना है, आपने कहा शुगर यूनिट से। प्रोटीन किससे मिलकर के बना है, आपने कहा अमाइनो एसिड यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन करेंगे तो कौन सा प्रैक्टिकल आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपने कहा फैलिंग टेस्ट होता है और बैंडिक टेस्ट होता है। लेकिन जब आप प्रोटीन का टेस्ट आप कर रहे हैं तो आपने कहा ब्यूरेट टेस्ट होता है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें आपसे ये टेस्ट पूछे जाते हैं कि ब्यूरेट टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं, फैलिंग हो गया है या फिर जो फैलिंग टेस्ट हो गया है वो, या बैंडिक टेस्ट हो गया है वो आप किसके डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहा गया है ब्यूरेट टेस्ट इज अ मेथड यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो बैंडिक टेस्ट होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल में पेप्टाइड बॉन्ड के डिटेक्शन को यहाँ पे हमें दिखाता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है ये भी ध्यान रखिए। हमने कहा कि जो यहाँ पे अमाइनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और तब जाके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से कनेक्ट किसकी वजह से है, पेप्टाइड लिंकेज की वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा इन द ब्यूरेट टेस्ट द नाइट्रोजन एटम्स इन द पेप्टाइड चेन रिएक्ट विद कॉपर आयन इन द रिएजेंट टू फॉर्म अ वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है, जो ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, जो यहाँ पे पेप्टाइड चेन में नाइट्रोजन है वो कॉपर आयन से रिएक्ट करता है। कॉपर आयन किसमें होगा, रिएजेंट में होगा। ठीक है, वो कॉपर आयन से रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन कॉपर आयन से रिएक्ट करके वायलेट कलर यहाँ पे देता है। अगर आपके जो सैंपल है आपके सैंपल में वॉयलेट कलर आ गया है, इसका मतलब ये यहाँ पे प्रोटीन की प्रेजेंस को बताता है। इतनी बात क्लियर है, ये आपको कुछ यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं, स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है ज़ैंथोपोरेटिक टेस्ट के बारे में। तो आपने पढ़ा ज़ैंथोपोरेटिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग एरोमेटिक अमाइनो एसिड यूनिट्स बाय हीटिंग विद नाइट्रिक एसिड द बेंजीन रिंग ऑफ इन द अमाइनो एसिड यूनिट इज नाइट्रेटेड बाय फॉर्म्स अ येलो कलर्ड नाइट्रो कंपाउंड व्हिच टर्न्स टू ऑरेंज कलर विद एल्केलाइन। दूसरा आपके पास आ रहा है ज़ैंथोपोरेटिक टेस्ट आ रहा है, जिसमें आपको कहा गया है कि आपके पास जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, येलो कलर्ड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न टू ऑरेंज कलर्ड विद एल्केलाइन। ठीक है, ये आपके पास टेस्ट आए हैं। टेस्ट में जब भी आप टेस्ट करते हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा टेस्ट है, टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट में आप कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। मेन क्या होता है, रिजल्ट होते हैं क्योंकि आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। ये था प्रोटीन के बारे में और अब हम बात कर लेते हैं फैट के बारे में, तब हम जानेंगे प्रोटीन और फैट का जो यहाँ पे डिटेक्शन है वो किस प्रकार से हम कर रहे हैं। फैट के बारे में आपको क्या बताया गया है, फैट्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फैटी जो फैट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तीनों कुछ चीजों को याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट बना है शुगर यूनिट से, प्रोटीन बना है यहाँ पे अमाइनो एसिड की यूनिट से, फैट बना है यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ठीक है, अवर बॉडी नीड्स फैट्स फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, यानी कि हमें फैट से क्या मिलती है, ग्रोथ होती है, क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है तो एनर्जी जब हमें मिलती है तो हमारी ग्रोथ भी होती है। फैट्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड समटाइम्स ऑक्सीजन। तो फैट में क्या क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कभी कभी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम फैट्स। ठीक है, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन नॉन पोलर लाइक क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो जो फैट होता है वो भी क्या है, पानी में इंसॉल्यूबल है, पानी में फैट भी डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन कुछ जो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया है, बेंजीन हो गया, इसमें क्या होते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं। दे आर फाउंड स्टोर्ड इन मैनी ऑयल सीड्स एंड सम एनिमल टिश्यू। तो कहाँ पे आपको फैट मिलता है, कुछ यहाँ पे सीड ऑयल होता है या एनिमल टिश्यू होते हैं वहां पे आपको फैट मिलता है। दे प्रोड्यूस्ड translucent spots on paper due to the diffraction of light, they also give a pink color with azo dye sudan third। ठीक है, अब देखिए आपको फैट के बारे में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले फैट क्या होते हैं, किस चीज से मिलकर के बने होते हैं, फैट का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, फैट किसमें सॉल्यूबल है और किसमें इनसॉल्यूबल है। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आपके लिए होमवर्क है. आप देखेंगे फैट हो गया है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, तीनों के आप सोर्स पता कर लेंगे. सोर्स आप देखेंगे क्योंकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं तीनों ही चीजों को, और सोर्स भी अब हम छोटी ही क्लासेस से पढ़ते चले आते हैं, तो आपको क्या करना है इनके सोर्स को पढ़ करके आना है. ठीक है, अगर आपने छोटी क्लासेस में फैट का अगर आपने प्रैक्टिकल देखा होगा कि आप कैसे पता लगाएंगे किसी चीज में फैट है या नहीं है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो टेस्ट होता था वो फैट का होता था. आप क्या करते थे, एक पेपर आपने लिया है, पेपर में आपने कुछ सीड डाल दिए, कुछ बीज आपने ऐसे डाले और उसे बंद कर दिया. फिर आपने जब खोल के देखा तो अगर पेपर में आपको ऑयल की स्पॉट वहां पे दिखाई देती है, तेल के जो छाप है वो दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि उस दाल में, उस दानों में या उस बीज में फैट प्रेजेंट है. ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपने बचपन में किया भी होगा. तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, थ्योरी हमने कंप्लीट कर दी है, आपने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी देख लिया है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन, सिमुलेटर और वीडियो तीनों के माध्यम से जानेंगे कि फैट और प्रोटीन का डिटेक्शन किस प्रकार से होता है. तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपना जो होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करके लेके आना है. चलिए, तो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे प्रोटीन और फैट के बारे में, जो थोड़ी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया है. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम परफॉर्म करेंगे और जानेंगे कि जब आप अपने लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो किस प्रकार से आप प्रोटीन और फैट का डिटेक्शन यहाँ पे करेंगे. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.